नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं डेंगू फीवर की और वायरल फीवर की। डेंगू को हिमोरेजिक फीवर कहा जाता है, ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। डेंगू में बहुत तेज़ आपको सिर दर्द हो सकता है, बहुत तेज़ आपको बॉडी पेन हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। यदि आपको इस तरह का कोई बुखार है जिसमें बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा टूटने जैसा दर्द हो रहा है, ब्रेक बोन फीवर मतलब हड्डी टूटने जैसा दर्द अगर हो रहा है, उसके साथ बुखार है, आपको तेज़ बुखार है, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। और डेंगू का क्या लक्षण हो सकता है, आप जब भी सीबीसी कराएंगे जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, तो उसमें देखेंगे कि आपका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने से शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसीलिए इसको हीमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है। इसीलिए यह खतरनाक फीवर की श्रेणी में आता है। जिसको भी डेंगू हो जाता है, अगर वो ध्यान नहीं रखता है, तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है और अस्पताल पहुंचने तक उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि आजकल डेंगू पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल पा लिया गया है और अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों की डेथ बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे उनको प्लेटलेट लगाया जाता है, पीआरपी लगाया जाता है। तो इस तरीके का अगर आपको कोई बुखार आ रहा है, तो आप उसके लिए देर नहीं करिए, आपके नज़दीकी चिकित्सक को अवश्य बात करिए, दिखाइए, जांच कराइए। कई लोग खुद ही इलाज लेने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आपके नज़दीकी चिकित्सक को दिखाइए। और वायरल फीवर या डेंगू फीवर के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा सबसे बेहतर चिकित्सा प्रणाली है, तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही बारिश खत्म होने को रहती है, कहने का मतलब ये है कि अगस्त के लास्ट वीक से और सितंबर से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक लोगों को काफ़ी एलर्जी होता है, साइनस की परेशानी होती है, सर्दी जुकाम होता है, आंख लाल हो जाती है, आंखों में इचिंग होने लगती है और बुखार आने लगता है, हरारत होने लगता है। जब बुखार आता है, वो लोग जांच कराते हैं और जांच में किसी भी प्रकार का कोई बुखार नहीं मिलता है, तो डॉक्टर बताता है कि उसको वायरल फीवर हो गया है। वायरल फीवर का एक और सबसे अच्छा लक्षण है कि कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, शरीर से कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, चलने की उठने की इच्छा नहीं होती है। तो इस तरीके का अगर आपको बुखार है, तो वो वायरल फीवर हो सकता है। इस तरह के बुखार में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा कारगर साबित हैं। तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा करके होम्योपैथिक चिकित्सा ले सकते हैं। आप बचाव के लिए भी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, जो इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल परेशानी होती है और बुखार आता है, उसमें बचाव के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।